इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इज देर आर द फाइव ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यू कैन सी दैट. एंड इन द क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बट नो वन गिव द करेक्ट आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन, बट वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट इज गिवन दैट नो टू स्टूडेंट्स गिव द सेम सिक्वेंस. द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज सपोज वन स्टूडेंट अप्लाई ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स या ट्रू फॉल्स, तो सेकेंड स्टूडेंट डज नॉट अप्लाई द सेम सिक्वेंस. दैट मीन्स ऑल स्टूडेंट अप्लाई द डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस. सो हमें ये फाइंड करना है उस क्लास में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, दे गेव दिस पेपर एंड नो वन गिव द करेक्ट आंसर, मतलब किसी भी एक स्टूडेंट ने टोटल करेक्ट आंसर नहीं दिया है. सो अब देखिए, हम इसको फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम टोटल नंबर ऑफ द आंसर्स फाइंड कर लेते हैं. जैसे इस क्वेश्चन का आंसर या तो ट्रू या फॉल्स होगा एनी वन, तो मतलब ये यहाँ पे टू चॉइसेस हो गई. इन सेम क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स, तो अगेन टू ऑप्शंस आर पॉसिबल. अगेन फॉर द थर्ड क्वेश्चन अगेन टू आंसर्स आर पॉसिबल. फोर्थ अगेन टू एंड फाइव अगेन टू. दैट मीन्स टू 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 देर आर द फाइव टाइम्स. दैट मीन्स वी कैन राइट टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू. दिस इज शो द नंबर ऑफ द पॉसिबल आंसर. दैट मीन्स टू की पावर फाइव, दैट मीन्स 32. इसका मतलब इस क्वेश्चन के 32 आंसर्स बनाए जा सकते थे या 32 आंसर्स पॉसिबल हो सकते थे, लेकिन उसमें से कोई भी होगा एक ही करेक्ट. कहने का मतलब कोई भी रहेगा एक ही करेक्ट, लेकिन वो 32 वेज हो सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के. सो इट इज़ वेरी इजी. अगर पूरे स्टूडेंट ने एग्जाम अटेंड की है और किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसका मतलब 32 में से आप एक वैल्यू को कम कर दीजिए, मतलब 31 स्टूडेंट्स उस क्लास में रहे होंगे जिन्होंने ये अपीयर करा होगा. और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर उस क्लास में होंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 31 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 32 जो नंबर्स होगा तो उसमें करेक्ट ऑप्शंस भी आ जाएगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट करेक्ट आंसर किसी ने भी सबमिट नहीं करा है. इसका मतलब किसी के कुछ आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, सब करेक्ट नहीं होंगे. सो अगर सब करेक्ट एक शीट अगर माइनस कर दी जाए, तो क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 31 होंगे.